कि आप अपने व्हाट्सएप चैट लॉक का पासवर्ड भूल गए हैं और अब चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप अपनी लॉक्ड चैट को एक्सेस कर सकते हैं बिना चैट डिलीट किए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी और इसके लिए आपको सीक्रेट कोड की भी जरूरत नहीं होगी, तब भी आप अपनी चैट को वापस ला पाएंगे। वैसे मुझे यहाँ पे सीक्रेट कोड पता है, देखो जैसे ही मैंने सीक्रेट कोड डाला तो मेरे यहाँ पे लॉक्ड चैट यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अब हम इन चैट को बिना सीक्रेट कोड के लॉक्ड चैट से निकालने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आपको जिस भी चैट को लॉक्ड चैट से निकालना है उस बंदे का नेम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। देन अब आप यहाँ पे उसके डीपी पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे चार आइकन शो कर रहे होंगे, इसमें से आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक पूछेगा तो आपको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगा देना है। अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड आना है और आपको इस चैट लॉक को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के लिए आपसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक पूछेगा तो आप यहाँ पे अपना फिंगर लगाएंगे तो आपका यहाँ पे चैट लॉक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे तो आपकी ये चैट यहाँ पे लॉक्ड चैट से बाहर आ जाएगी और देख सकती है हमारी चैट हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट नहीं हुई है, हमने सीक्रेट कोड का भी यूज नहीं किया, फिर भी हमारी चैट हिस्ट्री के साथ ये चैट बाहर आ चुकी है। आप यहाँ पे दोबारा देखिए, जिस भी बंदे के चैट को लॉक्ड चैट से बाहर निकालना है उस बंदे का नेम आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे डीपी पे क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे, फिंगरप्रिंट लॉक तो आपको लगाना ही होगा, अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगाते हैं तो आपसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें पता होता तो हम ये कर रहे होते, डायरेक्ट निकाल लेते ना उस चैट को, तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक तो देना ही होगा, तभी आप उस चैट को बाहर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको चैट लॉक को डिसेबल कर देना है तो उस बंदे की चैट आपकी लॉक्ड चैट से बाहर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे बाकी चैट को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चैट को बाहर निकालेंगे तो आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी। इसके बाद आप अपना न्यू सीक्रेट कोड बना लीजिएगा, उसके बाद चाहे तो आप इन चैट को दोबारा से लॉक कर सकते हैं। तो न्यू सीक्रेट कोड बनाने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड सीक्रेट कोड को क्लियर करना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, देन अभी आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे की साइड आना है तो अभी आपको यहाँ पे चैट लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे अनलॉक एंड क्लियर लॉक्ड चैट यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस ऑप्शन के जरिए आपकी चैट लॉक्ड चैट से तो बाहर आ जाएगी लेकिन आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। उसकी टेंशन ना लो, हमने ट्रिक के जरिए उन चैट को बाहर निकाल लिया है। पहले चैट बाहर निकाल लेना तभी ये काम करना, वरना आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे अनलॉक एंड क्लियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप एक बार अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे या फिर आप यहाँ पे अपनी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड दे सकते हैं, बस अब आप यहाँ पे कंफर्म कीजिए तो आपका सीक्रेट कोड यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आप अपना न्यू सीक्रेट कोड जनरेट कर सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चैट को लॉक कर लेना है। अभी आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे लॉक चैट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन अभी आपको ऊपर की साइड थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप चैट लॉक सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे हाइड लॉक्ड चैट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट कोड पे क्लिक कीजिए तो अभी आप यहाँ पे अपना न्यू सीक्रेट कोड बना सकते हैं।